हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 10, तो आज बहुत ज़्यादा लेट होके व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा ही काम था। तो परसों की व्लॉग भी मैं कल ही डालना था, मगर आज एडिट करके इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो व्लॉग आ जाएगी। आप अल्हम्दुलिल्लाह आप सब देख लिए होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करने का यही मकसद है कि सिर्फ नॉर्मली आज का व्लॉग स्टार्ट करने का था। तो थोड़ा बहुत आज आवाज़ भी ज़्यादा आ रही होगी, वो इस वजह से आवाज़ ज़्यादा आ रही है कि घर में कोई नहीं है, तो आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा और मुझे भी बात करने में आपके साथ अच्छा लगेगा। गाइस, फिलहाल घर में तो यार फिलहाल कोई नहीं है, तो सब गांव गए हुए हैं, तो मैं सिर्फ अकेला हूँ हमारे घर में। और आप देख सकते हो मैं सुबह जल्दी उठा था और फजर की नमाज़ पढ़ के फिर गाड़ी धोया पूरा पकीज़ा। ओ वाह, ब्यूटीफुल। और गाड़ी फटाफट चमकदार करके अब यहाँ पे खड़ी है गाड़ी। और अब जा रहा हूँ मैं भी, अभी नहाया नहीं हूँ, थोड़ा बहुत काम है, काम करके ही मैं नहाने की प्लान कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत यार मेरा मन कह रहा है कि चलो। बस मैं कल की वीडियो में आप देख लिए होंगे कि मैं शॉपिंग करने के लिए गया था, थोड़ा बहुत मेरा स्नैक्स वगैरह मैं ले लेके आ गया था। तो मैं पूरी तो नहीं बताया आपको, थोड़ा बहुत तो दिखाया, चुप एक शॉट दिखाया हूँ। तो मैं ये लिखा था खशिश, तो सिरप जो होती है तो आप किसी में भी खा सकते हैं। तो मैं आज का जो प्लान कर रहा हूँ मिल्क पीने का, आप देख सकते हो कैसा डाल रहा हूँ, मैं मिल्क शेक बना रहा हूँ यार, क्या पता कैसा हो जाए, देखते हैं। चलो बैटरी पड़ा पे रुक जाओ, गाइस आप देख सकते हो ये गिर रहा है, नहीं अबे यार कैसा बन रहा है पता नहीं चल रहा मुझे, ये देख सकते हो। फिलहाल यार रेडी हो गया है, क्या बोल रहा है पता नहीं, इसका नाम तो मैं नहीं रखूंगा, आप ही इसका नाम कमेंट सेक्शन में रख सकते हो कुछ तो नाम इसका। तो गाइस चलो चेक करते हैं कैसा है और टेस्ट करते हैं, मैं ही बनाऊँ ना, देखते हैं। चलो गाइस बेहतर तो है, तो दूध है ना, तो उसमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें चोको कहाँ पे है और दूध कहाँ पे है अब थोड़ा पीते। मैं बहुत दिन हुआ, मेरा बैग में कुछ है या नहीं, तो कुछ कुछ रखा हो तो देखते हैं। आज बैग भी वॉश करना है मेरा, बहुत गंदा भी हो रहा है, तो देख सकते हो गाइस बहुत गंदा हो रहा है। तो गाइस फटाफट इस बैग को देखते हैं अंदर क्या क्या रखा हूँ मैं। अबे यार ये क्या आ रहा है भाई बार, और क्या है, और ये एक इत्र जो खुशबूदार जो मैं लगाता रहता हूँ ना, तो ये है दो हुए। और बैग में बुक तो नहीं है, और अबे रुक जा यार क्यों आ रहा नहीं है, देख सकते हो ये एक ट्राइपॉड है, और एक ये खास क्या मैं बता नहीं सकता इसके बारे में, तो ये मेरे लिए तो खास है, थोड़े दोस्तों को पता चल जाएगा वो कमेंट कर देंगे कि ये क्या है, तो इसे साइड में रखते हैं, और वो तो मेरे साथ ही रहेगी जिंदगी भर, वो तो पक्का है। और यहाँ पे थोड़े बहुत चश्मे और एयरफोन्स वगैरह सिम कुछ वगैरह वगैरह है, और ये है वो जो मैं माइक लिया हूँ ना, अब जो मैं बात सुन रही है आवाज आ रही है उस माइक की एक कैमरा के लिए दिया है, और जो एक और ये एक एयरफोन का है ब्लूटूथ का, और ये एक बोया कंपनी का जो मुझे कैरी करने के लिए दिए सो है, और इसमें एक मेरा एक एयरबड है। बस गाइस इसमें थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स है, आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स है थोड़े बहुत, हर बार ये बैग में ही रहता है, बिल्कुल तुम्हें मेरे फ्रेंड्स को बोल रहा हूँ मैं कि आप आके ओपन करके लेके पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो
पर्सनल मैटर है, थोड़े लोगों को पता चलेगा कि पर्सनल मैटर है, तो मैं नहीं बता सकता उसके बारे में। तो गाइस इतना सब कूड़ा मेरे बैग में था यार, ये देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे एक है, एक फेस वॉश है, और फेस वॉश में ज्यादा तो मैं दुकान में रहता था ना, वहां पे पानी रहती थी, तो वहां पे फेस वॉश करने के लिए मैं उसको लेके जाता था। तो फिलहाल छोड़ते हैं, अब मैं ये फेस वॉश तो नहीं यूज कर रहा हूँ, दूसरा यूज करता हूँ। तो भाई हाथ दर्द हो रही है, तो मैं ट्राइपॉड रखता हूँ यार, पहले नीचे बहुत वजन है यार। गाइस अभी का सीन ऐसा है कि मेरा काम है, थोड़ा बहुत काम है, तो मैं आपको नहा धो के मिलता हूँ, तब तक के लिए वेट करते रहना। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। फिलहाल पूरा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, अब फिलहाल बज रहा है 12 बज रहे हैं। तो मैं सोचा देखा कि भाई अपलोड लगाने में, कल की वीडियो तो मैं अपलोडिंग लगा दिया हूँ, मेरी दोनों सिम में डाटा ख़त्म हो गया है, करेंसी मंथली का डाटा ही ख़त्म हो गया। गैस मैं फिर से नवा सिम लेना पड़ेगा, तो गैस सॉरी वीडियो नहीं आएगी, तो कल आएगी या परसों आएगी पता नहीं। तो गैस अब फला फटाफट नहाते हैं और नहा धो के फिर जल्द से जल्द फिर कहाँ चलते हैं, सिम लेने के लिए चलते हैं, और देखते हैं उमर वगैरह हो तो उसे भी लेके चलते हैं, वरना साथ में मैं अकेला चलता हूँ। चलो गैस चलते हैं। गैस अल्हम्दुलिल्लाह अब नहा धो के रेडी हो गया हूँ, और आप देख सकते हो इधर हमारा प्यारा सा खरगोश रैबिट जो बैठा है उसे थोड़ा बहुत चलो चारा लेकर आते हैं, क्योंकि एकला बैठा है तो एक ही है ना, तो पिछली वीडियो मालूम है एक तो मर गया था पिछली बार, बहुत दिन हो गया, करीब करीब 1 महीना हो गया शायद, तो चलो फटाफट उसे छोड़ो पर चारा लेकर आते हैं। चलो अब निकल पड़े हैं रैबिट को खाना लेने के लिए, बगैर ऐसा बोल रहे हैं चारा लेने के लिए, तो चलो चलते हैं। देख सकते हो इधर पूरा चारा लगा हुआ है, मगर मैं वो नहीं लेता, जो मुझे चाहिए मैं उसी को लेना हूँ। चलो यहाँ पे है ना छोटा सा, तो अब अच्छा दिखता है आपको, चलो लेते हैं। ये चलो गाइस इतना तो ले लिया हूँ, और चलो चलते हैं, चलो डालते हैं अब। गाइस अब फिलहाल जोहर की नमाज की टाइम हो रही है, और अब चलते हैं फटाफट मस्जिद, और मैं जा रहा हूँ मकबूलिया मस्जिद या नूरानी मस्जिद पता नहीं चल रहा, तो चलो जाके देखते हैं और चलो फटाफट चलते हैं यार। चलो गाइस अब फिलहाल मैं बहन को कॉलेज छुट्टा है उसका, तो उसे लेने के लिए जा रहा हूँ, तो चलो फटाफट जाके आते हैं, उसे पिक करके आते हैं यार। चलो जोहर की नमाज की टाइम भी हो रही है, तो फटाफट जाके आके नमाज पढ़ते हैं, घर में ही पढ़ते हैं क्योंकि घर में कोई नहीं है इसलिए यार। फिलहाल मैं मस्जिद पहुंच गया हूँ, फिलहाल नमाज पढ़ते हैं, चलो यार जल्दी चलो। पढ़ के और उमर को घर छोड़ के फिर मैं
लंच के लिए आया था तो लंच के लिए फटाफट फिर चलता। क्यों असर की नमाज की थी?